चिरागों को हवा से खौफ क्या, चिरागों को हवा से खौफ क्या, चिरागों को हवा से बचाना चाहिए। अगर मस्जिद दूर है तो चलो क्या हुआ, इस रोते हुए बच्चे को हंसाना चाहिए। नमस्कार, मैं शबनम और इस वक्त आप देख रहे हैं जनता की आवाज। और आपको बता दें कि करनाल में मौजूद है और जिस तरह आप सभी को पता है लोहड़ी का पर्व है, तो कान्हा सांस्कृतिक मंच जो है और उनकी टीम जो है आज लोहड़ी मनाने के लिए करनाल में पहुंची हुई है। और करनाल की और आपको बता दें कि करनाल में जो झुग्गी झोपड़ी है उनमें पहुंची हुई है। झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ जो है लोहड़ी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिस तरह आपको भी पता है कि लोहड़ी के पर्व पर लकड़ियों को जलाकर फिर जो है पर्व मनाया जाता है, उसी तरह यहाँ पर पर्व मनाया जा रहा है। और किस तरह से जो है सभी बच्चों को यहाँ पर प्रसाद भी बांटा जा रहा है, रेवड़ी मूंगफली और फुल्ले यहाँ पर बांटे जा रहे हैं किस तरह से। और बहुत अच्छी रौनक यहाँ पर लगी हुई है। आपको बता दें जब यहाँ पर पहुंचे थे तो कुछ भी नहीं था, और जैसे ही जो कान्हा सांस्कृतिक मंच की टीम यहाँ पर पहुंची तो किस तरह से यहाँ पर रौनक देखने को मिल रही है। पर मैम से भी बातचीत भी करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। जी मैम, आप आज आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आप पहुंचे और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं डॉक्टर विनीता चोपड़ा अपनी तरफ से और कान्हा सांस्कृतिक मंच की तरफ से सभी देशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं देती हूँ। और आज बेहद खुशी मिल रही है इन बच्चों के बीच में आके, और इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देख के आज मैं इनसे खुशियां साझा करने आई हूँ लोहड़ी के मौके पर। तो मैम, जैसे कि मेहनत भी सब लोग करते हैं और पैसे भी सब कमाते हैं, अपना घर भी चलाते हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ कोई कोई खुशियां साझा करता है, उस पर क्या कहना चाहिए? बस उस पर तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके मन की अवस्था होती है कि आपको मन को खुशी कैसे मिलती है, क्योंकि मान लो चार व्यक्ति हैं, चार व्यक्तियों की सोच अलग अलग होती है, तो मुझे इनके साथ आके खुशी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 2023 में जब मैं बच्चों के बीच में गई तो वहाँ पर मेरा मन था कि उन बच्चों के साथ मनाया जाए, तो मैंने देखा कि उन बच्चों के साथ कुछ बच्चों के जन्मदिन भी थे, तो उन बच्चों के चेहरे की जो मैंने मुस्कुराहट देखी, तो उस मुस्कुराहट से मुझे इतना कुछ मिला कि पूरा साल मेरा बहुत अच्छा गया। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं इन लोगों के बीच में इसी तरह से आती रहूँ और खुशियाँ साझा करती रहूँ। तो मैम, आप अपनी मेहनत के साथ साथ दुआएं भी कमाती हो? जी बिल्कुल मैम, जैसे कि कहते हैं ना कि मैंने हमेशा से सुना है कि लोग कहते हैं कि आपको अपना बैंक बैलेंस रखना चाहिए कि वो काम आता है आपके बुरे वक्त में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दुआएं कमाते हैं तो दुआएं भी आपके जीवन में काम आती हैं। जो मुसीबत आपके ऊपर आनी हो पहाड़ जैसी, तो वो एक राई बन के जो है वो टल जाती है और मुसीबत अदूर से ही निकल जाती है। और दुआएं भी मैम, दुआओं का बैलेंस भी अपनी जिंदगी में जरूर रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे, कड़कड़ाती ठंड है, हर कोई त्योहार अपने घर मनाता है और फिर अपने बिस्तरों में बैठ जाता है। मैम मुझे खुशी मिलती है इनके साथ आके, सुकून मिलता है आके। मुझे निदा फाजली की एक शेर याद आ रहा है कि चिरागों को हवा से खौफ क्या, चिरागों को हवा से खौफ क्या, चिरागों को हवा से बचाना चाहिए। अगर मस्जिद दूर है तो चलो क्या हुआ, इस रोते हुए बच्चे को हंसाना चाहिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विनीता चोपड़ा, संस्थापक कान्हा मंच। तो जो मैम थे इनसे हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है बहुत खुशी इनको मिलती है यहाँ पर पहुंचने में, और पहले से ही जो है ये इस तरह से खुशियां साझा करती है सभी के साथ जो है। 2023 में भी ये जो है 2023 से जो है अपनी संस्था को चला रही है, समाज सेविका है, और किस तरह से जो है यहाँ पर खुशियां साझा करने के लिए पहुंची है, त्योहार मनाने के लिए पहुंची है, और पहले भी इस तरह के कार्यक्रम करती रही है। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। इसी के साथ मैं जनता की आवाज से शबनम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही थी करनाल से।